तो दोस्तों वैल्यू नॉलेज में आज हम बात करेंगे कि चाइना की कंपनीज में चीयर लीडर्स क्यों होती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने आईपीएल और क्रिकेट में तो चीयर लीडर्स देखी होंगी जो बीच बीच में जो है ऑडियंस को जो है वो एंटरटेन करती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना की कंपनीज है, कुछ आईटी कंपनीज, कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज, इनमें भी चीयर लीडर्स होती है। तो होता यह है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है और बहुत सारी आईटी कंपनीज है, इसमें जो लोग काम करते हैं उनका काम जो है बहुत मोनोटोनस यानी बहुत बोरिंग होता है। उनको कोडिंग में घंटों काम करना पड़ता है, 10 घंटे 12 घंटे, और ये काम इतना बोरिंग होता है कि कुछ समय के बाद वो एकदम जो है लो फील करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए बीच बीच में ये जो चीयर लीडर्स है वो उनको एंटरटेन करते रहती है। जो भी वो कोडिंग में वगैरह काम करते हैं ऐसे स्टाफ को ये एंटरटेन करती रहती है, कुछ तो वो गाना सुनाती है, थोड़ा बहुत डांस करती है, जिसकी वजह से वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो थोड़ा एनर्जाइज फील करता है, उनको मोटिवेशन मिलता है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसकी वजह से उनके काम में काफ़ी ज़्यादा इफ़िशेंसी भी दिखाई जाती है। और बहुत सालों से चाइना की कंपनी जो है ये करते आ रही है और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुई है, और इसे देख के अभी बहुत सारी कंपनीज जो है वो आगे जाके ऐसा करने वाली है। और चाइना में ऐसी कुछ कंपनीज भी होती है जो एम्प्लॉयज़ को सोने का भी टाइम रखते हैं, यानी खाना खाने के बाद कुछ आधा घंटे का एक नैप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सो सकते हैं, जिससे भी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये बहुत ही एक अजीब फैक्ट है जो आप अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि कहीं पे एग्जाम या इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियोज देख सकते हो। तो हमारे वीडियोज को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल जानकारी घर बैठे मिलती रहेगी।